नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। योगी सरकार की नई आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल योगी सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब बेचे जाने को मंजूरी दी है। सपा प्रमुख ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए। उन्होंने लिखा, इसका मतलब यह हुआ कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे वो सब झूठे साबित हुए। सपा प्रमुख ने तंज किया कि अगर भाजपा ही समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचे, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र ना बनाए। उन्होंने लिखा कि शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। यह भाजपा राज में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।